ओवर में किडिच वागीलवाड़ा टीम के बल्लेबाजों ने 50 रन यहां पर स्कोर कार्ड के ऊपर लगाया, 51 रनों का लक्ष्य है। लेकिन इस 51 के लक्ष्य को पीछा करते हुए तकरीबन पहले ओवर में रन आ चुके हैं 7, 2 विकेट के नुकसान पर। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। हॅलो, तर याच दरम्यान मंचावरती पाहतोय हरिभक्त पारायण बालारामजी म्हात्रे तळोजी मजकूर यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं मी शब्द सुमनाने स्वागत करतोय। संदीप सर, तो 12वे टीम के लिए अंतिम कॉल होगा आयोजन कमेटी की। बिल्कुल काफी वक्त जाया कर रहा है क्योंकि आपका तीसरा मुकाबला है और आज देखा जाए तो मुकाबले थोड़े से लेट शुरू हुए। यदि जल्दी शुरू होते, 10 बजे शुरू होते तो अब तक तो ये मुकाबला मेरे हिसाब से चौथा हो सकता था। तो हमारे मंडप डेकोरेटर्स मोहन जी म्हात्रे इनानपुरी वो भी इस मंच के ऊपर आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। काफी बढ़िया उनका भी डेकोरेशन हम देखते हैं। तो सपना मंडप डेकोरेटर्स के प्रोप्राइटर मोहन जी म्हात्रे उन्होंने इस मैदान को सजाया है, 4 स्टैंड भी यहाँ पर लगाए हैं, खूबसूरत स्टेज भी यहाँ पर उपलब्ध करके दिया है। और जरूर नितेश शेठ की कमी है जिनकी यहाँ पर जिनके स्वागत में जयत तैयारी भी हो चुकी है। नितेश शेठ के बारे में जरूर मैं बताना चाहूंगा। इस बीच ये गेंद आउटसाइड टू ऑफ स्टंप थी, अंपायर कैलाशपुर जी हमारी तरफ मुड़ चुके हैं और यहाँ से एक अतिरिक्त के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी टीम का टोटल जा पहुंचा है तकरीबन 9 रनों के ऊपर। प्रशांत जी खाना होकर आइए, आपका भी इस्तकबाल किया जाता है, आइए इस मंच के ऊपर। क्रिकेट टेनिस का काफी बड़ा नाम है और कल प्रशांत आइए इस मंच के ऊपर। कल जो यहाँ पर एक शो मैच होने वाला है MIDC और धुंधरे विभाग इनके बीच में जो मुकाबला होगा, तो शिवाजी गोंदली ने बताया है कि MIDC विभाग के आप कप्तान होंगे, तो कप्तानी आपको करनी है तो जरूर निश्चित क्योंकि उनकी भी डेट नज़दीक आ रही है टूर्नामेंट की। 4 तारीख से 8 तारीख को उनकी भी टूर्नामेंट है, स्टार ओवा की भी काफ़ी बड़ी टूर्नामेंट है। तो ऐसे दो बड़ी टूर्नामेंट एक ही तारीख को। मनी तो चाहिए, जेब में मनी हो तो काम टाइट हो, तो जरूर यहाँ से डीजे ऑपरेटर अच्छा संगीत ढूंढ कर निकाल रहे हैं ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो दर्शक बने रहे। लेकिन यहाँ से बल्लेबाज ने भी अपने बल्ले से एक ऐसा चौका मोड़ा है जिन्होंने जो रखा था उसे निकाला है। और क्लीन बॉल, ये देखिए बढ़िया गेंद, चौका आने के बाद तुरंत गेंदबाज ने और सूरज ने और लाजवाब यहां पर विकेट का पतन किया है। और ऐसे में देखा जाए तो टोटल रन संख्या देखी जाए तो तकरीबन 17 रन। तो दांडी तो गुल हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर सूरज जिन्हें मिली सफलता, अभी भी इस ओवर के अंतिम एक गेंद बची है। नए बल्लेबाज राजेश कुमार आए हैं, राकेश कुमार
काफी बड़ा खिलाड़ी है, बिल्कुल काफी बड़ा नाम है, लेकिन स्वप्निल मात्रे अभी भी स्कोर 17 रन, 51 रन चाहिए जीतने के लिए। तो दूसरा ओवर चल रहा है, अंतिम गेंद बचे हैं, टोटल रन संख्या देखी जाए तो 17, विकेट की बात करें तो विकेट गिर चुके, 3 विकेट गिर चुके। तो जगदीश ऐसा लग रहा है दर्शक भी उम्मीद कर रहे हैं कि नितलस और खांबालपाड़ा का मुकाबला जो हुआ था वैसा तो ये मुकाबला नहीं होगा। उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट अक्सर मैदान के अंदर क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। सूरज एक गेंद, काफी बढ़िया डिफेंस करने का प्रयास, पॉइंट और कवर के बीच से निकालने की कोशिश, लेकिन ये देखिए अपेक्षा कवर क्षेत्र में, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो जब तक बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को रोकने के लिए पहुंचे तब तक बल्लेबाज ने 3 रन मुकम्मल किए और इन 3 रनों के साथ ही साथ ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। महज 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 20 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान। ठीक है, क्या बात है, इस दुनिया में तो साई की सरकार, लेकिन यहां से जगदीश पाटिल इस गावदेवी चषक के ऊपर किसकी सरकार बनेगी ये तो कल हमें पता चलेगा, क्योंकि ये कप उठाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक टीम को पसीने बहाने पड़ेंगे, जी जान लगाकर खेल करना होगा तो जाकर आप कप के करीब पहुंच सकते हैं। बाकी देखा जाए तो जिन टीमों ने कारनामा किया है वो टीमें तो आगे निकल चुकी हैं, सुपर एट में दिन में स्टार ओवे टीम सुपर एट के लिए क्वालिफाई हो चुकी है और उनके खिलाफ इनामपुरी टीम क्वालिफाई हो चुकी है सुपर एट की, दूसरे दिन सुपर फोर के लिए क्वालिफाई होने वाली टीम विकास स्मृति पेठाली टीम को हमने देखा, तीसरे दिन इसी मैदान के अंदर कैलाश सुरेंद्र दादा स्मृति 11 टाइगर की टीम सुपर फोर में पहुंची। तो देखना है अब यहां से देखा जाए तो काफी तकनीक का इस्तेमाल किया, दिमागी खेल किया बल्लेबाज स्वप्निल ने और बेहतर जिस तरह से थोड़ी सी उछली हुई गेंद थी उस गेंद को कट किया और ऐसे में गैप निकालने में सफल हुए। गेंदबाज तैयार, दर्शन दर्शन पाटिल, ये देखिए थोड़े से आगे आए थे, एक फुट का इस्तेमाल किया, कलाई का इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में जाते हुए गेंद, जब तक खिलाड़ी लालचंद शायद लालचंद है तब तक 2 रन जरूर मिले हैं। लालचंद की बात करें तो काफी बड़े खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी है, आज भी क्रिकेट में वही तजुर्बा वही जज्बा हमेशा देखने को मिलता है लालचंद गावंड की तरफ से। इस बीच गेंद शॉर्ट ऑफ लेन, बिल्कुल गेंद को पिक किया नितिन कोहली स्टैंड में, गेंद सीमा पर 4 रन। नितिन जरूर जरूर कहना चाहूंगा कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, तो जरूर आप तो बजाते हैं एक एंजॉयमेंट के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों इससे आप बच के रहिए क्योंकि सेहत के लिए हानिकारक है, आपके परिवार के लिए हानिकारक है, ऐसे चीजों से दूर रहेंगे तो अच्छा है। इस बीच गेंद बेहद खूबसूरत, ओहो लाजवाब प्रयास किया था, कोशिश की थी, विकेट है लेकिन इस मर्तबा नहीं कैच को लपक पाए और यहां से 1 रन जरूर मिला है बल्लेबाज स्वप्निल को। कप्तानी पारी जगदीश यहां पर खेल रहे हैं इस बीच मैदान के अंदर, टीम का टोटल जा पहुंचा है 32 रनों के ऊपर, 12वें टीम के लिए अब अंतिम कॉल होगा, मुकाबला यहां पर खत्म होने को आया है। तो शिवाजी गोंदली 12वीं टीम आई है क्या नहीं आई है वो देखिए आप, यदि 10 बजे मुकाबला शुरू होता 11:30 बजे शायद मुकाबला शुरू हुआ और उसमें सुपर ओवर भी हुआ, टाइम पास काफी हुआ,
तो यदि 10 बजे शुरू होता तो दारावा टीम का पता ही नहीं था, तो क्या करते? तो इसलिए थोड़ा सा टीमों को आप कॉल करके यहां पर तैयार रखने को कीजिए। और ऐसे में देखा जाए तो आप ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 3 ओवर का खेल समाप्त भी हो चुका है। टोटल की बात करें तो 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आप जीतने के लिए हमें स्कोरर यहां पर जानकारी देते हुए राम प्रधान की बची हुई गेंदे हैं 12। बारह गेंदे, अभी भी 19 रनों की जरूरत है। इस मंच के ऊपर हम देख रहे हैं मोटा गांव टीम भी खेलने वाली है, जो अंतिम मुकाबला होगा। तो मोटा गांव टीम की पहचान खास तौर पे हम जरूर बताएंगे। नीलेश जी मात्रे इस मंच के ऊपर है, स्वागत नीलेश जी ने। काफी जिस तरह से दो तरफा बल्लेबाजी के लिए माहिर माने जाते हैं, राइटी हो लेफ्ट हो, और दूसरे हमारे जीटीसी के निश्चित रूप में सर्वे सर्वा जल्पेश जी भुईर, वो भी इस मंच के ऊपर हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। जल्पेश स्वागत है आपका भी। लेकिन इस वक्त आप मैदान के अंदर स्वप्निल मात्रे डटे हुए हैं, कप्तानी पारी खेल रहे हैं, लेकिन उनका साथ दे रहे हैं राकेश कुमार। इस वक्त बिल्कुल देखा जाए तो दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी बन रही है, पार्टनरशिप बन रही है। क्योंकि जब विकेटें गिरती हैं तो उन विकेट गिरने के बाद मैदान के अंदर साझेदारी जब बनती है तो मुकाबला अपने आगोश में आता है, ना कि चला जाता है। जैसे कि खांबालपारा टीम के आगोश से मुकाबला ऐसा ही छूटा था जब जीतू सेला ने स्टार्ट अच्छा दिया था, 49 रनों की जरूरत थी। पहले 4 गेंदों में 18 आए थे, लेकिन जीतू आउट होने के बाद एक भी ऐसी साझेदारी नहीं बनी जिसका खामियाजा खंबालपाड़ा टीम को भुगतना पड़ा। सुपर ओवर में भी मुकाबला चला गया, लेकिन वहां से नितलस टीम ने उस मुकाबले को नहीं छोड़ा। लो यहां से गेंदों का खेल बचा है, जीत के लिए 12 की जरूरत, 19 की जरूरत है। 12 गेंदे 19 की जरूरत है। गेंदबाजी में जीवन गावंड और लालचंद गावंड, ये दो ऐसे सीनियर खिलाड़ी इस टीम में, दोनों भाई हैं, हमेशा अच्छा खेल दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कवर की तरफ से खेलने का प्रयास था मैन क्षेत्र में, लेकिन यहां से देखा जाए तो दूसरी रन मुकम्मल होती हुई स्वप्निल मात्रे के लिए, और इन दो रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है तकरीबन 34 के ऊपर, 34 रन 34। तो 11 गेंदों का खेल अब बचा है और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। 11 गेंदे 17 रन, देखना है बीच मैदान के अंदर एक बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। अब यहां से निश्चित रूप में जीवन गावंड के ऊपर भरोसा जताया है कप्तान ने, तो क्या इस भरोसे के ऊपर खरे उतर पाएगा या स्वप्निल मात्रे यहां से कप्तानी पारी खेल पाएंगे? क्योंकि यहां से कप्तानी पारी तो खेल रहे स्वप्निल, पूरी तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे अपने टीम के लिए, और ऐसे में देखा जाए तो 1 रन जरूर मिला। इस 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है तकरीबन 35 रनों के ऊपर, 35। अब जीतने के लिए 16 रनों की अभी भी जरूरत, 25 गेंदे 10 और 16 रन चाहिए। शिवाजी गोंदले इनके मित्र मोंटी पाटिल को यहां पर आमंत्रित किया है शिवा गोंदले ने, तो मोंटी पाटिल आइए मुरबी के। उठाने की कोशिश, लॉफ किया था इस गेंद को, गेंद हवा में, शानदार कैच लिया गया, भागे सुरते आए थे और यहां से बिना गलती के साथ इस कैच को लपका राकेश कुंभार के पारिकांत हुआ है। अब यहां से जीत के लिए समीकरण 9 गेंदे 16 रन चाहिए। तो 9 गेंदे 16 रन, देखिए मुकाबला कहा था कहा चला गया है, फिर से एक बार मुकाबले में यहां पर एक अलग रंग लिया है। अभी भी देखा जाए तो जिस तरह से यहां से संघर्ष हो रहा है केडीएच वागीलवाड़ा टीम की तरफ से, क्योंकि संघर्ष करने के लिए टीम माहिर मानी जाती है, तो दूसरी तरफ यहां से संघर्ष करके जीत कैसे लिया जाता है, यह संघर्ष हम मैदान के अंदर स्वप्निल मात्रे की तरफ से देख रहे हैं पडले टीम के लिए कप्तानी के तौर पर।
बतौर कप्तान यहाँ पर अच्छी पारी खेल रहे हैं इस समय स्वप्निल मात्रे, लेकिन यहाँ से जीवन गावन जो पूरी तरह से जीजान लगा रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं। 9 गेंदों का खेल अभी भी शेष है और जीतने के लिए 16 रन चाहिए, 9 गेंदे 16 रन। ये देखिए डिफेंस करने का प्रयास, शॉर्ट सिल्मी डॉप से निकालते हुए एक रन जरूर मिला यहां से स्वप्निल के लिए। टीम के टोटल में बढ़ोतरी होती हुई एक रनों के साथ 36 के ऊपर जा पहुंचा है टोटल स्कोर। आप यहां से 8 गेंदे जीतने के लिए 15 रन, 8 गेंदे 15 रन, क्या मुकाबला हो रहा है। दर्शक भी यहां पर उसी उम्मीद में है कि वैसा ही मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है, इस उम्मीद में यहां पर हमारे दर्शक और यूट्यूब के जरिए जो दर्शक बने हैं वो भी इसी उम्मीद में है। इस बीच एक गेंद देखिए विकेटों के पीछे फ्लाइंग स्लिप में इस गेंद को फील किया, लेकिन एक रन जरूर मिला। एक रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 37 के ऊपर। आप यहां से 7 गेंदे जीतने के लिए 14 रन चाहिए। तो एक गेंद, क्या बढ़िया गेंदबाजी की है, ये गेंद यदि निर्णायक बनती है तो बिल्कुल केडीएच वागेलवाड़ा टीम के लिए सुरक्षित स्थान। लेकिन यहां से कुछ नहीं आया इस गेंद के ऊपर, गेंद गई डॉट और इसी के साथ ओवर भी समाप्त, यानी कि 4 ओवर का महज खेल समाप्त हुआ। अब जीतने के लिए 6 गेंदे 14, क्या मुकाबला। डीजे गेंदे 14 रन, क्या गेंदबाजी की है दोस्तों इस गेंदबाज लालच जीवन गावन ने। 12 गेंदे 19 का समीकरण और 50 के ऊपर उम्र वाले एक खिलाड़ी ने यहां पर दिखाया दम 18 साल के युवा का, जिन्होंने इस ओवर में दिए रन सिर्फ 4। तो निलेश मात्रे आप देख सकते हैं क्या पावर है, इतने उम्र में भी क्या पावर है इस गेंदबाज की, क्योंकि खेल खेल होता है, उम्र बिल्कुल नहीं होती है। तो जरूर आप अंतिम गेंदबाज के लिए एक बड़ा मौका दिया है मेरे हिसाब से। लेकिन यहां से स्वप्निल मात्रे जो खेल रहे हैं वो भी यहां पर काफी कप्तानी के तौर पे खेल रहे हैं, बतौर कप्तान एक अच्छा यहां पर प्रयास कर रहे हैं, जीत के लिए संघर्ष दे रहे हैं। तो जरूर हमारे पडले के बिग सपोर्टर दिलीप शेठ पाटिल यदि यहां पर आए हैं तो आइए, स्वागत है आपका भी, और हमारे भांजे अनिल पाटिल आपका भी स्वागत है। लेकिन इस वक्त 6 गेंदे 14 रन, गेंदबाजी के तौर पे भागे सुरते। ये गेंद बढ़िया गेंद थी, खोद कर निकाला था इस गेंद को, ब्लॉक हॉल में इस गेंद को फेंका जरूर था, लेकिन एक ही रन, एक के अलावा कुछ नहीं। अब यहां से समीकरण बदलता हुआ 5 गेंदे जीत के लिए 13 रन। टोटल की बात करें तो टोटल हो चुका 38 के ऊपर। केडीएच वागेलवाड़ा बनाम आदर्श पडले, थर्ड अंपायर की मांग की गई है, तो जाइए प्रीतम पाटिल गावदेवी घोट के एक सक्षम खिलाड़ी। देखा जाए तो गए साल 2 बाइक का इस खिलाड़ी के नाम आए थे मैन ऑफ द सीरीज के तौर पे, और एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं को यहां पर बीच मैदान के अंदर हम देख रहे हैं। 5 गेंदों का खेल शेष बचा है और जीतने के लिए 13 रन चाहिए। वाह भाई वाह, क्या मुकाबला चल रहा है, जैसा पहला मुकाबला हुआ उसे दौरान मुकाबला भी जा रहा है, पैसे वसूल मुकाबला। बागेश की एक गेंद, लेकिन यहां से देखा जाए तो कवर का खिलाड़ी जरूर आया दूसरी की कोशिश, लेकिन यहां से 2 रन नहीं रोक पाए, बिल्कुल यहां से 2 रन मुकम्मल किए स्वप्निल ने, और इन 2 रनों के साथ ही साथ टोटल जा पहुंचा है 40 के ऊपर। अब 4 गेंदे 11 रन, 4 गेंदे 11 रन, यहां से स्वप्निल मात्रे पूरी तरह से कप्तान निपारी यहां पर खेल रहे हैं, लेकिन अंतिम मोमेंट में जीत किसके झोली में आएगी ये भी देखने वाली बात हो सकती है। और ये देखिए शूट करने का प्रयास किया था, शॉर्ट फाइन लेग रीजन की तरफ जाते गेंद, दूसरी की कोशिश, पलटे हैं, लेकिन यहां पर बलिदान दिया इस खिलाड़ी ने,
बल्लेबाज रन आउट के तौर पे आउट हुए, और ऐसे में देखा जाए तो एक ही रन मिलेगी, यानी कि अब यहां से इस एक रनों के साथ टोटल जा पहुंचा 41 के ऊपर। अब तो तीन गेंदे जीतने के लिए 10 रन, तो तीन गेंदे 10 रन, क्या मुकाबला चल रहा है। भागे सुरते बनाम स्वप्निल मात्रे, फुल टॉस थी लेकिन गैप ढूंढी है, बढ़िया गैप था, आयरिश लॉन्ग आर्म के रीजन में 4 मिले। हेलो, तो क्या पारी खेली है, वाह भाई वाह, लाजवाब स्वप्निल मात्रे। 2 गेंदे 6 रन चाहिए, 2 गेंदे 6 रन। भाग्य सुरते को कुछ निश्चित देने की कोशिश की है जीवन ने, लेकिन यहां से 2 गेंदे 6 रन, एक बड़ा हिट, मुकाबला फिनिश, एक का डॉट गेंद, मुकाबला यहां पर। ये देखिए गेंद हवा में, हो लाजवाब कोशिश की थी सूरज द्वारा, ओ डायरेक्ट हिट, हो लाजवाब, क्या बढ़िया, आज के दिन की सबसे बेहतरीन फील्डिंग। रन, और क्या यहां पर थ्रो किया है सूरज पाटिल ने, लाजवाब। देखा जाए तो जिस तरह से दूसरे के लिए पलटे थे, हाथ में गेंद पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कोशिश नहीं बल्कि डायरेक्ट हिट हुआ, और आज के दिन के सबसे बेहतरीन फील्ड। यदि यहां से ये टीम जीत जाती है, केडीएच वागीलवाड़ा टीम, तो निश्चित रूप में ये फील्डिंग निर्णायक मानी जाएगी, लेकिन अभी भी समय बदला नहीं है, क्योंकि 1 गेंद 5 की दूरी है, 4 आते हैं तो शिवा गोंदली सुपर ओवर में आएगा ये मुकाबला। 1 गेंद 5 रन चाहिए, आप यहां पर जीत किसकी होगी। टोटल की बात करें तो 41-51 का लक्ष्य था, लेकिन यहां से इस 51 के लक्ष्य को बनाने के लिए काफी पसीने बहाने पड़ रहे आदर्श पडले टीम को। 1 गेंद 5 रन, सामने बल्लेबाज है अक्षय कुंभार, लेकिन गेंदबाजी में है भाग्य सुरते। 1 गेंद 5 रन, और ये देखिए 5 रनों से इस मुकाबले को जीता है। किसने उम्मीद यहां पर जताई थी कि केडीएच वागीलवाड़ा टीम ये मुकाबला जीतेगी, लेकिन जीवन गावंड का वो ओवर बहुत कुछ बता कर गया है। तो जरूर यहां से देखा जाए तो बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी में तो खिलाड़ी जरूरत है, सूरज ने भी अच्छी यहां अच्छा खेल किया, लेकिन भागेश ने भी 19 की पारी खेली, लेकिन अंतिम मोमेंट में भागेश ने जो गेंदबाजी की वो भी निर्णायक साबित हुई। और यहां से देखा जाए तो स्वप्निल रहने के बाद भी उन्होंने जो ओवर फेंका वो ओवर कहीं ना कहीं लाजवाब नजर आया। तो जरूर यहां पर भागेश सुरते को मैन ऑफ द मैच का यहां पर इनाम दिया जाता है। तो मैन ऑफ द मैच के लिए आइए भागेश। तो मुकाबला यहां पर दोस्तों रुका है, ताकि दारावे टीम जो थी वो टीम अब तक यहां पर पहुंची नहीं है लगता है। तो यदि मुरबी टीम है और मोटागांव टीम तो रेडी है यहां पर,
तो मोरबी टीम के कप्तान यदि आप रेडी हो रोशन तो आइए, जरूर मोरबी टीम के कप्तान भी यहां पर आ रहे हैं। तो अगला मुकाबला हम देखेंगे मोरबी बनाम मोटागांव के बीच में। तो चलेंगे यहां पर मैन ऑफ द मैच की तरफ। भाग्य सुरते बेहतरीन गेंदबाजी आपने की और खासतौर पे जीवन गावन आपने भी खूबसूरत गेंदबाजी की, सभी ने अच्छा खेल दिखाया। आदर्श पडले टीम ने श्रृंखला में हिस्सा लिया, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और जीत की बधाई देते हैं यहाँ पर केडीएच वाकिलवाड़ा टीम को। तो चलते हैं फिर से एक बार हमारे जगदीश पाटिल इनके पास। थैंक यू सो मच। तर आमचे हरिभक्त परायण तर बुवांना विनंती करें कि आपण यापुढे आणि आपल्या शुभासे या ठिकाणी सामनावीराची ट्रॉफी प्रदान करायचे, ज्या ठिकाणी अतिशय चांगला खेळ झाला आणि सांघिक खेळाच्या जोरावरती मात्र तो सामना केडीएच वाघिवलीवाडा संघाने जिंकलाय।